व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप बताने वाली हूँ, जो कि कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मुझे भी है और मुझे बहुत ज़्यादा था, लिमिट से ज़्यादा। ठीक है, मैं किसी टाइम अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैंने सोचा वो आप सबको भी मैं बताऊँ। आज जो इस चीज़ में बताने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बकायदा दिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ। वो है आमले का मरब्बा। आमले का मरब्बा आप धो के खाएं, ठीक है। वैसे कच्चा आमला तो खाया नहीं जा सकता। आमले का पाउडर भी आप बाज़ार से ले सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट 2 चम्मच हल्के गर्म पानी से, अगर आप मरब्बा खाते हैं तो वो आपने खाली पेट 2 वो जो है ना आमले लेने हैं मरब्बे के, वो भी धोकर। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास आमले का मरब्बा है, ठीक है। ये 4 मैंने निकाले हैं बस दिखाने के लिए, अभी वाश करने हैं और 2 मैंने इनमें से खाने हैं। ये डब्बा मैंने मंगवाया है आमले का, ठीक है। ये देखें, आमले का मरब्बा है ये। तो इसको आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह कम से कम जो है 1 महीना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये देसी रेमेडी है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। और 1 महीने के बाद दोबारा आप अपनी वही रिपोर्ट चेक करवाएं तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जो देसी चीज़ें होती हैं उनसे ये नहीं है कि आप 2-3 दिन खाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये आपके दिल को भी ताकत देता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मरब्बा तो वैसे भी कहते हैं कि खाना चाहिए, और अगर आप लोग भी ये मरब्बा इस्तेमाल करते हैं खाली पेट, इसके 2 ये आमले लेके खाएं, तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मुझे पड़ रहा है, आप लोगों ने मेरी ऑडियंस ने तो देखा होगा कि कुछ दिन पहले मुझे कितनी ज़्यादा स्वेलिंग, कितना मेरा मसला ख़राब चल रहा था, तो वो इन्हीं चीज़ों ने कवर किया। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, और मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रही हूँ वो सब भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। और अभी फ़िलहाल मुझे ये लगा कि मैं ये बताऊँ, मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें ले रही हूँ और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फीस भी लीला हम लोग आप लोगों को बताते हैं, तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है शफा देने वाला है। इंसान या डॉक्टर तो सिर्फ बताता है, आगे अमल तो हमने खुद करना होता है। तो चलें, दुआओं में याद रखिएगा, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है अल्लाह पाक उसको शफा दे, तंदरुस्ती दे। और इंशाल्लाह मैंने सोचा कि ये छोटा सा मैं एक जो है ना, मैं आप सबको ये नुस्खा बता दूँ कि जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे फ़र्क पड़ रहा है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ जी, मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, वहाँ जाके इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लें, ठीक है। अगर मज़ीद कुछ पूछना चाहेंगे तो इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा था और कितना कम हुआ है, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।